दोस्तों आप इस वीडियो को केवल 2 मिनट तक आप फुर्सत से देख सकते हो। तो आपको आजकल होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड या कह सकते फ्लिपकार्ट फ्रॉड या फ्लिपकार्ट स्कैम या अमेजन स्कैम से बच सकते हो। ऐसा है ही नहीं, हर घर में कोई ना है ही, हर घर में ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा जाता है, स्मार्टफोन या गैस कुछ भी छोटे मोटे प्रोडक्ट मंगाए जाते हैं। ऐसे में गैस आपके साथ कहीं हो जाएगा स्कैम तो कहीं बहुत ही दिक्कतें हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है रिटर्न करने में। कहीं आपकी कभी कई बार कि देखने को मिलता है कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न भी नहीं होता, आपका पैसा भी चला जाता है और प्रोडक्ट भी अपना नहीं पाते हो। तो ऐसे में गैस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो जान पाओगे फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स पॉलिसी क्या होती है, इस पॉलिसी के आप कैसे डिलीवरी बॉय से अपने बॉक्स ओपन भी करा लोगे और आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, बिना इस तरह के फ्रॉड होने से बच सकते हो। तो गाइस पूरी तरीके से बात करूंगा, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स पॉलिसी। फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स पॉलिसी क्या है? इस पॉलिसी के तहत दोस्तों क्या होता है कि आप डिलीवरी बॉय से अपना बॉक्स को जो आया है उसको ओपन भी करा लोगे और गाइस डैमेज प्रोडक्ट होता है तो आप उस प्रोडक्ट को ना लेकर पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। ऐसे में क्या गाइस होता है, अक्सर देखने को मिलेगा कि जब आप कैश ऑन डिलीवरी आप ऑर्डर करते हो तो आपको पहले कैश देना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको बॉक्स दी जाती है। ऐसे में चाहे जिस तरीके ओपन करो, आप सामने ओपन करो चाहे कैसे भी ओपन करो, लेकिन प्रोडक्ट डैमेज मिलता है तो आपको उसी प्रोसेस से ही आपको कैंसिलेशन भी करना पड़ता है, तब जाके बहुत सारे प्रोसेस निभाने पड़ते हैं, तब जाके आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन गाइस फ्लिपकार्ट पॉलिसी में इस तरह का नहीं है। फ्लिपकार्ट पॉलिसी में क्या होता है गाइस, ऐसे में क्या आपको आप सभी लोग गाइस पता होगा, कोई भी आप ऑर्डर करते हो उसमें एक ओटीपी आपको मिल जाती है। जब आपको कोई ओटीपी आप डिलीवरी बॉय को दोगे तभी वो ऑर्डर अपना कंप्लीटेड कर पाएगा। ऐसे में आप डिलीवरी बॉय को आप ओटीपी ना देकर आप डिलीवरी बॉय से ही बोलो इस बॉक्स को ओपन करें। जब डिलीवरी बॉय उस बॉक्स को ओपन करने लगेगा तो आप उसकी छोटी सी वीडियो बनाते रहो, जिससे कि जब बॉक्स ओपन करते रहेगा, जब डिलीवरी बॉय बॉक्स ओपन कर लेगा तो ऐसे में आपका डैमेज प्रोडक्ट कोई डैमेज रहता है या कुछ होता है तो आप वहीं से उसे मना कर सकते हो। ऐसे में क्या होता है, डिलीवरी बॉय आपको वहीं से कैंसिलेशन आपको मान लेता है। ऐसे में आपको पैसे भी नहीं देने होते हैं, आप गाइस आपका कैंसिल भी हो जाता है प्रोडक्ट। लेकिन गाइस आपका प्रोडक्ट सही निकलता है तो आप वहां से प्रोडक्ट अपना ले सकते हो और डिलीवरी बॉय को जो ओटीपी है आप उसे दे सकते हो। लेकिन गाइस आप ओटीपी पहले दे देते हो तो आप गाइस आपका प्रोडक्ट क्या होगा कि आपको फिर से आपको ऑनलाइन कैंसिलेशन करना होगा, फिर उसी तरह होगा जो कि आपको हाथ में पैसा नहीं मिलेगा, जो कि आपको ऑनलाइन प्रोसेस से ही आपके अकाउंट में पैसा देखने को मिलेगा, जो कि गाइस काफी लंबे समय लग जाते हैं, 1 हफ्ते से अधिकतर 1 महीने से भी वक्त लग जाते हैं। तो आप लोग फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स पॉलिसी का ही अधिकतर इस्तेमाल किया कीजिए, जिससे आपको सारी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सके। ये गाइस मेरी जानकारी एक मेरे एक दोस्त ने दी थी जो कि एक फ्लिपकार्ट कह सकते हैं उसकी डिलीवरी बॉय का काम करता है और गाइस इसे पूरी इन्फॉर्मेशन दी। ऐसे में गाइस मैं बहुत जल्द एक प्रूफ लेके आऊँगा साथ में, किस तरह से ओपन बॉक्स पॉलिसी की जाती है पूरी डिटेल्स में, मैं पूरी वीडियोस भी बनाऊंगा प्रोसेस पर, तो बहुत जल्द ही बनाने वाला हूँ। फिलहाल आपको बता दूँ कि गाइस आप कभी ऐसा हो भी जाता है, आप होता है कि आप कैश दे देते हो और फिर उसके बाद डिलीवरी होते हो तो उसको आप वीडियो बना लिया करो बॉक्स को ओपन मत, जिससे आप फ्रॉड भी हो जाता है तो आप उससे बचा जा सके। 1 महीने में ही सही गाइस आपको पैसा तो रिटर्न मिल जाएगा। फिलहाल गाइस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।